वेलकम स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज आपसे हम करंट अफेयर्स के सेशन में जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जीएस पेपर 2, यूपीएससी मेंस, यूपीएससी प्रीलिम्स, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, यूपीपीसीएस मेंस पेपर 2 के अलावा एसएससी रेलवे और जितने भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं उन सबके लिए बहुत ही रिलेवेंट रहेगा। आज का टॉपिक है हमारे यहाँ 126वां संविधान संशोधन विधेयक लेकर आया गया, और 126वें संविधान संशोधन विधेयक मीन 126 बिल को लेकर एंग्लो इंडियंस ने, आंग्ल भारतीयों ने प्रोटेस्ट किया। ये 126 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल क्या था, आज इस पर चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, 126 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, 126वां संविधान संशोधन विधेयक। मैंने आपको बताया कि इस बिल को लेकर एंग्लो इंडियंस ने प्रोटेस्ट किया, एंग्लो इंडियंस प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस बिल। ये बिल क्या था, एंग्लो इंडियन ने क्यों उसको प्रोटेस्ट किया, इससे पहले हम जानेंगे व्हाट इज एंग्लो इंडियंस और द डेफिनेशन ऑफ द एंग्लो इंडियंस, क्या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द एंग्लो इंडियंस, आंग्ल भारतीयों का ऐतिहासिक प्रत्यक्ष क्या है। तो आंग्ल भारतीय को अगर हम देखें तो हम सब लोग जानते हैं कि ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड औपनिवेशिक शासन के दौरान कई सारे मेल यूरोपियन ऑफिसर्स भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ काम करने के लिए आए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन मेल यूरोपियन ऑफिसर्स को अपने यहां रिक्रूट किया, और इंडिया उनकी चूंकि कॉलोनी थी, इस कॉलोनी में वो अपनी सर्विसेज दे रहे थे। उन लोगों ने भारतीय महिलाओं के साथ विवाह किया, मैरिड विद इंडियन वुमेन, और इनसे जो बच्चे पैदा हुए, इनसे जो संतानें पैदा हुई वो कहलाई एंग्लो इंडियंस, आंग्ल भारतीय। तो आंग्ल भारतीय कौन थे, तो ये आंग्ल भारतीय हिंदुस्तान में पहले नहीं थे, ब्रिटिश कॉलोनी पीरियड के दौरान जो उन ऑफिसर्स ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर रहे थे, उन ऑफिसर्स ने इंडियन वुमेन के साथ शादी की, तो उनसे जो संतानें पैदा हुई वो एंग्लो इंडियन कहलाए। ये एंग्लो इंडियन उस दौरान सिग्निफिकेंट स्मॉल कम्युनिटी थी, एक बहुत ही विशेष छोटा सा समुदाय था। क्यों मैं सिग्निफिकेंट स्मॉल कम्युनिटीज को कह रहा हूं, क्योंकि इनका सिग्निफिकेंस अगर मैं देखूं तो उस समय इनका सिग्निफिकेंस बहुत ही ज्यादा था, क्योंकि इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थी, इनके पास बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद थे इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इसलिए इनको सिग्निफिकेंट स्मॉल कम्युनिटी कहा जा रहा है, क्योंकि दे ऑक्यूपाइड इम्पोर्टेंट एंड इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो बहुत ही सिग्निफिकेंट स्मॉल कम्युनिटी थी जिनको एंग्लो इंडियन कह रहे हैं आप। सबसे पहले इनको वैलिडिटी, सबसे पहले इनको ऑथराइजेशन, सबसे पहले इनकी पहचान या आइडेंटिफिकेशन इनको जो मिला वो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में मिला। दिस माइनॉरिटी कम्युनिटी फर्स्टली
recognized in 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सबसे पहले इन एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के बारे में सोचा गया और उनके लिए सीटें रिजर्व की गई लैसे क्लेशर में. तो सबसे पहले इनको रिकॉग्निशन जो मिला है वो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में मिला है. अब आजादी के बाद आफ्टर द इंडिपेंडेंस इनके साथ क्या हुआ उस पर बात कर लेते हैं. पोस्ट इंडिपेंडेंस आजादी के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बनकर तैयार हुआ उस कॉन्स्टिट्यूशन में इनके लिए कई सारे प्रोविजन जोड़े गए. इससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि आजादी के बाद इनकी जो संख्या थी वो धीरे धीरे घटने लगी. ये जो कम्युनिटी पहले थी बहुत छोटी कम्युनिटी थी और आजादी के बाद इनकी संख्या धीरे धीरे घटने लगी. मीन्स द डिक्लाइनिंग ऑफ देयर पॉपुलेशन. इनकी जनसंख्या घटने लगी. इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन था, इनका एक इंटरेस्ट ग्रुप था जिसका नाम था AIA. ऑल इंडिया एंग्लो इंडियन एसोसिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल इंडिया एंग्लो इंडियन एसोसिएशन. ऑल इंडिया एंग्लो इंडियन एसोसिएशन के एक नेता थे, एक लीडर थे जिनका नाम था फ्रैंक एंटोनी. फ्रैंक एंटोनी ने सबसे पहले डिमांड उठाई कि इस माइनॉरिटी कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन दिया जाना चाहिए. तो आई रिपीट, इंडिपेंडेंस के बाद इनकी पॉपुलेशन लगातार घटने लगी और ऑल इंडिया एंग्लो इंडियन एसोसिएशन के जो लीडर थे फ्रैंक एंटोनी, उन्होंने सबसे पहले डिमांड उठाई अपील फॉर रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व के लिए अपील की गई ऑफ दिस माइनॉरिटी कम्युनिटी. इस अल्पसंख्यक समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व की मांग सबसे पहले की फ्रैंक एंटनी ने, जो ऑल इंडिया एंग्लो इंडियन एसोसिएशन के लीडर थे, नेता थे. क्योंकि एंग्लो इंडियन संख्या में बहुत कम थे इसीलिए ये अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए लड़ नहीं सकते थे. और अगर डायरेक्ट इलेक्शन का करवाया जाता एंग्लो इंडियन का, तो डायरेक्ट इलेक्शन में ये पार्टिसिपेट करते तो बहुत ज्यादा इनको वोट प्राप्त नहीं होते. एंग्लो इंडियन संख्या में कम थे सो दे कुड नॉट फाइट इलेक्शन फॉर रिप्रेजेंटेशन. दे कुड नॉट फाइट इलेक्शन फॉर रिप्रेजेंटेशन. तो ये इलेक्शन फाइट नहीं कर सकते थे रिप्रेजेंटेशन के लिए, क्योंकि ये पॉपुलेशन में बहुत कम थे, नंबर में बहुत कम थे. आप जानते हैं कि डेमोक्रेसी में इलेक्शन को फाइट करने के लिए नंबर की जरूरत होती है, क्योंकि इंडिया में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है. तो इंडिपेंडेंस के बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारी चीजें इनके लिए प्रोवाइड कराई. जैसे कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखें, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में हमने आर्टिकल 366 जिसमें डेफिनेशन दिए हुए हैं, और आर्टिकल 366 में सब आर्टिकल 2 में इनकी डेफिनेशन दी, डेफिनेशन फॉर द एंग्लो इंडियन, कि कौन होगा एंग्लो इंडियन, जिसके लिए हमने कहा कि जिसका फादर या मेल प्रोजेनिटर्स
यूरोपियन डिसेंट का होगा उसको क्या माना जाएगा? एंग्लो इंडियन। तो पितृ परंपरा में या उसका पिता या उसकी पितृ परंपरा में यदि कोई यूरोपियन मूल का है तो उसको एंग्लो इंडियन मानने के लिए हमने एंग्लो इंडियन की डेफिनेशन को आर्टिकल 366 सब आर्टिकल 2 में रखा। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में हमने इनको रिप्रेजेंटेशन दिया और हमने इनको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में दो आर्टिकल जोड़े। आर्टिकल 331, सेकंड आर्टिकल तो आर्टिकल 333। ये दोनों आर्टिकल हमने इनको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए दिए और इन आर्टिकल में प्रोविजन क्या किया, क्या किया गया? आर्टिकल 331 में ये प्रोविजन किया गया कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट एंग्लो इंडियन इन हाउस ऑफ पीपल, अर्थात लोकसभा में प्रेसिडेंट जो है वो एंग्लो इंडियन को नामित कर सकता है, राष्ट्रपति लोकसभा में इनको नामित कर सकता है, जिसके लिए हमने बात की नॉट मोर देन टू। कितने से अधिक नहीं, अधिकतम कितने? दो। आर्टिकल 333 में हमने कहा कि गवर्नर नॉमिनेट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मीन्स राज्य विधान सभा में गवर्नर नॉमिनेट कर सकता है, इसके लिए हमने कहा नॉट मोर देन वन। एक से अधिक नहीं। इन दोनों के लिए हमने कुछ कंडीशन कॉमन रखी कि गवर्नर नामित कर सकता है राज्यों की विधानसभा में और प्रेसिडेंट नामित कर सकता है लोकसभा में। इसके लिए हम शर्तें कॉमन रखी यदि उनकी राय हो, दोनों के लिए कंडीशन इफ ही इज इन ओपिनियन, यदि उसकी क्या हो, यदि उसकी ही इज ऑफ ओपिनियन, यदि उसकी राय हो, यदि उसकी राय में ऐसा लगता हो, क्या लगता हो, तो दूसरी शर्त रखी हमने इनका हो, यदि उसको लगता हो कि इनका क्या है इन एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मीन्स अपर्याप्त प्रतिनिधि। तो राष्ट्रपति को यदि लगता है इनका अपर्याप्त प्रतिनिधित्व लोकसभा में तो वो नॉट मोर देन टू, दो से ज्यादा एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट नहीं कर पाएगा, मैक्सिमम कितने कर पाएगा? टू। यदि गवर्नर को लगता है कि इनका रिप्रेजेंटेशन अपर्याप्त है राज्यों के विधानसभाओं में तो वो अधिक से अधिक कितने कर सकता है? एक। ये हमने कौन से प्रोविजन डाला। एक बात ध्यान रखने की आपको यहां पर की पॉइंट है कि जो एंग्लो इंडियन है वो नॉमिनेट मेंबर है, चाहे वो नॉमिनेट लोकसभा में हो रहे हैं और हाउस ऑफ द पीपल में हो रहे हैं, चाहे वो नॉमिनेट हो रहे हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। इसी के बाद एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो एंग्लो इंडियन एमपी है कैन नॉट वोट एंग्लो इंडियन एमपीज कैन नॉट वोट एंग्लो इंडियन ऑल द एंग्लो इंडियंस नहीं, सिर्फ नॉमिनेटेड मेंबर। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कोई एंग्लो इंडियन चुनाव जीत कर आ जाए, तो जो जो इलेक्टेड है उसकी तो बात ही नहीं कर रहे। नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियन जो है वो एमपी कैन नॉट वोट इन प्रेजिडेंट इलेक्शन। ये की पॉइंट प्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो नॉमिनेटेड एमपी है एंग्लो इंडियन वो भागीदारी नहीं करेगा। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन कराए आर्टिकल 366 आर्टिकल 2, आर्टिकल 331, आर्टिकल 333। हमने ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन, ये रिप्रेजेंटेटिव या रिप्रेजेंटेशन जो दिया वो एससी को दिया, एसटी को दिया और एंग्लो इंडियन को दिया। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी स्थानों का आरक्षण किया गया है लोकसभा में, राज्यों की विधानसभाओं में उनकी जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन। और एंग्लो इंडियन के लिए जो रिजर्वेशन हमने दिया वो आपने देख लिया। तो रिजर्वेशन जो इनको दिया गया एससी एसटी को और एंग्लो इंडियन को वो परमानेंट नहीं था। तो रिजर्वेशन नॉट परमानेंट फॉर द एससी एसटी एंड द एंग्लो इंडियन। कैसे परमानेंट था वो मैं आपको बताता हूं।
रिजर्वेशन और द रिप्रेजेंटेशन नॉट परमानेंट एससी एंड एंग्लो इंडियन। आर्टिकल 334 जो आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे बेरक को खोलकर आर्टिकल 334 में साफ तौर पर कहा गया था कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये सीज हो जाएगा, सीज इन 1960 और द रिप्रेजेंटेशन फॉर द एससीज एंड एंग्लो इंडियन सीज इन 1960 1960 में खत्म हो जाना था लेकिन बार बार एक्सटेंड किया गया अमेंडमेंट के थ्रू बट एक्सटेंडेड थ्रू अमेंडमेंट संशोधनों के द्वारा इसको बार बार बढ़ाया गया। दिसंबर 2019 में 126 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास किया गया जो बना 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। क्योंकि ये सीज होना था 1960 में लेकिन एक्सटेंड किया गया अमेंडमेंट के थ्रू और ये खत्म होना था 2020 में एक्सटेंशन अमेंडमेंट एक्सटेंशन के थ्रू। अब इसको और आगे एक्सटेंड करने के लिए 2020 खत्म हो रही थी, इसको और आगे एक्सटेंड करने के लिए एक 26वां संविधान संशोधन अधिनियम विधेयक लाया गया जो 104वें संविधान संशोधन विधेयक अधिनियम के तौर पर जाना गया। इसमें क्या किया गया, इसमें ये जो रिजर्वेशन था, ये जो रिप्रेजेंटेशन था एक्सटेंडेड फॉर एससीज ओनली का मतलब रिजर्वेशन सिर्फ किसके लिए एक्सटेंड किया गया, एससी और एसटी के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन एक्सटेंड किया गया और एंग्लो इंडियन के लिए इस एक्सटेंशन को खत्म कर दिया गया। मीन्स द एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन रिमूव्ड। तो उसके खिलाफ एंग्लो इंडियन ने प्रोटेस्ट किया। तो आपने समझा इस बात को कि प्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल 331, आर्टिकल 332, आर्टिकल 366 सब आर्टिकल 2, आर्टिकल 334 को आपको देखना है। तो 2020 में खत्म हो रहा था ये, 2020 के बाद इसको और आगे एक्सटेंड करना था जिसके लिए 104वां संविधान संशोधन अधिनियम या 126वां संविधान संशोधन विधेयक लेकर आए और इसमें हमने एससी और एसटी के लिए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को या पॉलिटिकल रिजर्वेशन को एक्सटेंड किया और एंग्लो इंडियन खत्म कर दिया जिसकी वजह से एंग्लो इंडियंस ने इसको प्रोटेक्ट किया। तो आई थिंक मेरा ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।